डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। डार्क टाइम न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। महाराजगंज जनपद से बेहद ही दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। महाराजगंज जनपद के थाना क्षेत्र निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा खरचौली गांव के बाहर गन्ने के खेत में एक 75 वर्षीय महिला की लाश संदिग्ध परिस्थिति में पड़ी मिली। लाश मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मामला का खुलासा तब हुआ जब गांव का एक किसान अपने खेत को देखने के लिए उस तरफ गया। गन्ने के खेत से एक अजीब सी दुर्गंध आने पर किसान को शक हुआ, तो किसान ने गन्ने के खेत में घुसकर देखा तो किसी महिला की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी मिली। किसान डर के मारे गांव की तरफ भागा और गांव में आकर लोगों को इस घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी पाते ही गांव के लोगों ने जाकर देखा तो घटना पूर्णतः सच निकली और ग्रामीणों ने इस पूरी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूत्रों की माने तो मृतक महिला का नाम जोना देवी है, जो ग्राम सभा रुदौली की रहने वाली बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल है। पुलिस के अनुसार महिला की मानसिक स्थिति पिछले कई दिनों से ठीक न होने के कारण इस तरह की घटना घटी का अंदेशा जता रही है। महिला की लाश बुरी तरह से छत बिछत होने के कारण यह अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसकी मौत कैसे हुई है। फिर भी अनुमानतः लगभग एक सप्ताह पहले मृत्यु होने की अंदेशा जताया जा रहा है। खैर, जो भी हो, मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आइए देखते हैं निचलौल थाने के सीओ साहब क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में। सर, खरचौली गांव में एक शव मिला है, अब तक क्या कुछ मामला सामने आया है? ये एक महिला जिसकी उम्र 75 साल बताया जा रहा है, जोना देवी वाइफ ऑफ गुलाब, ग्राम रुदौली की रहने वाली थी। ये महिला विक्षिप्त चल रही थी काफ़ी दिनों से और इसकी डेड बॉडी आज सुबह पता चली कि खरचौली गांव के बाहर गन्ने के खेत के पास में पाई गई है। महिला मृतक कम से कम एक हफ्ता पूर्व लगता है उसके डेड बॉडी देखने से कि मर चुकी थी। आज उसका नियमानुसार उसको डेड बॉडी को कब्जे में लेकर कार्रवाई के लिए भेजा गया। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।